हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एबी कॉमेडी ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक ही होंगे और ठीक ही रहें, क्योंकि ठंड ज़्यादा बढ़ने वाली है। जनवरी का महीना आने वाला है, अभी दिसंबर चल रहा है तो थोड़े दिन के बाद जनवरी आ जाएगी। फिर आप ठंड की वजह से कोई बीमार नहीं पड़ना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े पहन के रखें। तो आ जाए हमारी छुट्टी। पहले आपको वीडियो में बताया था कि मैं यहाँ गुड़गांव फारूक नगर में काम करता हूँ, जो कि मैं यहाँ फ्लिपकार्ट कंपनी है जिससे आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो, वहाँ मैं पिकिंग पैकिंग एंड स्कैनिंग करता हूँ। तो जो आप ऑर्डर करते हो, मैं आपका बिल निकाल के और आपका जो प्रोडक्ट है जहाँ जाएगा वहाँ के लिए शिफ्ट करता हूँ। तो आज है मंडे, मंडे को मेरी रहती है छुट्टी, क्योंकि हफ्ते में एक बंदे को एक दिन फिक्स कर दिया गया है, उस दिन उसकी छुट्टी रहती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वहाँ अगर एक दिन पे सब की छुट्टी कर देंगे तो मतलब एक दिन पे बंद रहेगी, तो इसलिए हफ्ते में 7 दिन चलती है कंपनी, इसलिए बंद नहीं रहती है। तो मैं रूम पे पड़ा पड़ा हो रहा हूँ आज बोर, क्योंकि यहाँ कोई है नहीं, मैं हूँ अकेला। तो मैंने सोचा एक ब्लॉग ही बना दूँ, जो कि बहुत दिनों से कोई वीडियो नहीं पड़ी है मेरे चैनल पर, क्योंकि यहाँ टाइम नहीं मिलता है और अमित भी नहीं है। अमित पहले नोएडा था, अब चला गया है घर, क्योंकि उसकी सिस्टर की शादी है अगले मंथ जनवरी में, तो वो चला गया है घर। उसने मुझे भी इनवाइट किया है, देखता हूँ जाऊँगा, अगर छुट्टी मिलती है तो जाऊँगा ज़रूर, क्योंकि वो मेरा क्लोज फ्रेंड है और मेरे भाई जैसा है, गाँव का है ना, तो मेरे भाई जैसा, तो जाऊंगा छुट्टी मिले फिर भी, और ना मिलेगी तो कोशिश करूंगा कि ज़रूर से ज़रूर जाऊं। तो आज मैंने सोचा एक ब्लॉग ही बना दूं अपने रूम का, जो बिखरा हुआ सामान एंड पड़ा हुआ है तो वो दिखाऊं कैसे कैसे हम रहते हैं यहाँ। और मैं अभी उठा हूँ सो के, क्योंकि नाइट को देर से सोया था, खेल रहा था पबजी। मेरा एक गेमिंग चैनल है कातिल गेमर नाम से है, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अभी सो के उठा हूँ, तो मैंने अभी भी कुछ खाया भी नहीं है, और मेरे साथ वाले जो गए हैं कंपनी, उन्होंने चाय बना के रख दी थी, तो वही चाय पी ली है बस, अभी बनाए नहीं। अब खाना वाना बनाऊँगा तो आपको खाऊँगा। अकेले सोच रहा हूँ क्या बनाऊँ, सोच रहा हूँ बाहर ही जाके खा के आता हूँ, पर देखता हूँ क्या करता बनाऊँ या फिर। चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ रूम का अपना व्यू। अभी तो यहाँ बिखरा हुआ सब सामान हुआ, कपड़े उपड़े सब ऐसे ही पड़ा हुआ है, बेड 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 सब ऐसे ही है। चलिए आपको बैक कैमरे से दिखाते हैं अपने रूम का व्यू। ये पड़ा है बेड, देख सकते हैं कितना बिखरा हुआ बेड पड़ा हुआ है, जो कि मैं अभी सो के इससे उठा हूँ तो ऐसे ही पड़ा है। ये है मेन गेट, जो कि कपड़ों से लदा हुआ है। दूसरी तरफ ये जो एंगल हैं, कपड़े ऐसे लदे हुए हैं इस पे। ये है डस्टबिन एंड झाड़ू। यहाँ भगवान जी को बिठाया हुआ है हम लोगों ने, जो कि मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जब इन्हें बिठाया था। वो दूसरा रूम था, ये दूसरा है, शिफ्ट कर लिया है, दूसरा रूम है ये। ये नीचे लेटने का जुगाड़ है, ये पाँव पोछने का। तो देखिए हम लोगों का बैग पैक कैसे पड़ा हुआ है, क्योंकि बहुत दिनों से ऐसे ही पड़ा है। क्या करूँ, कोई यहाँ पर अलमारी अलमारी वगैरह है नहीं जो कि रख सकते हैं। ये रही किचन, किचन भी नहीं है, ऐसे ही स्लैब एक पड़ी हुई है सिंपल सी, इसी पे हम लोग खाना वाना बनाते हैं। नीचे है राशन पानी, ये सिंक, बर्तन भी धोने को पड़े हैं। ये रहा किचन, इधर बाथरूम, यह बाथरूम लाइट अभी है नहीं, तो
ऐसा ही दिखेगा, लाइट वाइट है नहीं कुछ, ये सावर लगा हुआ है, ये सिंक रहा है, ऊपर जो फैन है जो अभी ठंड में फैन का इस्तेमाल तो होता नहीं है, ये हमारी प्रकृति की लाइट जो कि अभी लाइट नहीं है, इसी से रोशनी अंदर आ रही है। तो ये रहा मेरा रूम का व्यूज, बताइएगा कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करिएगा, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।